दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। तो लगातार खानाबदोश शहर के कई इलाकों से मिल रहे हैं। खानाबदोश के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार मिलती जा रही है और इस बात को लेकर शहरवासियों के अंदर डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। अलवर गेट में ही रहने वाले एक जागरूक नागरिक और अधिवक्ता दीपक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन पे जुड़ चुके हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये कितनी बड़ी प्रशासनिक चूक को मानते हैं। गुप्ता साहब, ये बताइए कि ये खानाबदोश लोगों को जो रेल म्यूजियम में रखा गया और वहां से कई खानाबदोश शहर के अलग अलग इलाकों में चले गए, इसको आप कितनी बड़ी प्रशासनिक चूक मानते हैं? सुशील जी, बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है। जिस जगह रेल म्यूजियम के अंदर इन्होंने खानाबदोश को रखा, उसका अगर अपन सर्वे करेंगे और देखेंगे तो कई जगह से उनकी दीवारें टूटी हुई है। रेल प्रशासन ने भी और आम जनता ने भी लोकल प्रशासन को अवगत करा दिया था कि वो सारी दीवारें टूटी हुई है, यहाँ से खानाबदोश लोग बाहर निकलकर कहीं भी आते जाते हैं या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वहाँ का लोकल जो जन है वो परेशान होगा। इस स्थिति से अवगत कराने के बावजूद भी यहाँ के प्रशासन ने इस बात को इग्नोर किया, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज हम सबको यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इससे 23 अप्रैल से लेकर आज तक खानाबदोश लोग यहीं पड़ी है और इनकी किसी भी प्रकार की कोई देखरेख प्रशासन द्वारा नियमित रूप से नहीं की जा रही है। स्क्रीनिंग हुई वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं हुई। इसका खामियाजा ये हुआ कि आज वहां से कम नहीं कर भी अपने पास यहाँ पर 11 से ज्यादा खानाबदोश लोग निकल के बाहर आए जो कोरोना पॉजिटिव है। 23 मार्च से लेकर आज तक 11 कोरोना पॉजिटिव, का मतलब अगर अपन एक के साथ में एक को प्लस करते चलेंगे तो ये बढ़ते हुए कम से कम नहीं कभी 30 या 35-40 दिन हो जाएंगे। आज हम लोगों ने यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई, आवाज उठाने के बाद इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया और उसके बाद भी आज अगर पूरा अजमेर शहर के अंदर देखें तो इन लोगों की प्रशासन को उस जगह व्यवस्था करनी चाहिए थी जहां पर आम जनता स्कूल कॉलेज या किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन नहीं हो उस जगह लाकर उनकी इनकी रहने की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर शहरी रहवासी एरिया के अंदर, स्कूल के एरिया के अंदर या जहां आसपास के अंदर किसी भी तरह के अस्पताल है उनको यहाँ पर छोड़ दिया और इनकी किसी भी तरह की प्रॉपर देखभाल की, जिसका नतीजा आज अपने पूरी अजमेर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आगे देखो कितने और कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। ऐसे खानाबदोश अभी अभी जो सूचना हमारे पास आई थी तो उसके अंदर एक खानाबदोश को वैशाली नगर इलाके से पकड़ा गया है, उसके साथ में दौलतबाग के आसपास का जो इलाका है वहां पर तमाम बहुत बड़ी संख्या में खानाबदोश एकजुट हैं। यहां से भागकर जो मॉडर्न ब्रिज का इलाका है उसके नीचे आज क्लॉक टावर थाना पुलिस ने खानाबदोशों को पकड़ा है। ऐसे में प्रशासनिक चूक हो चुकी है, लेकिन अब प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी किसी को तो तय करनी पड़ेगी, तो क्या आप सरकार को सीधा दखल देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सरकार को इसमें पूरी तरह से दखल देना चाहिए कि ये गलती किसकी वजह से हुई और क्यों हुई। अगर सरकार इस बात को इग्नोर करती है या इसकी अनदेखी करती है और प्रशासन का सपोर्ट करती है तो ये हम मान के चलना कि अजमेर की हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी और इतनी बिगड़ जाएगी कि इसको कंट्रोल करना भारी पड़ जाएगा। इस प्रशासनिक चूक पर कोई जांच कमेटी बैठनी चाहिए? बिल्कुल, इस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए और पता लगना चाहिए था कि ये यहां से निकलने के बाद कहां कहां गए और इसमें किस किस लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। यहाँ से निकलकर वैशाली नगर तक पहुंचना, वैशाली नगर तक पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि आपको किशनगंज चौकी आपने पार की है, क्लैक्टा हुआ थाना पार किया है आपने, फाई सागर चौकी पार की है, भाजपा किशनगंज पहुंच थाना क्रॉस किशनगंज चौकी क्रॉस की है, उसके बाद आप पहुंचे आगे वैशाली नगर पहुंचे तो ये आदमी पहुंच कैसे गया? तो क्या लॉकडाउन इनके लिए था नहीं क्या? या वहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी कोई वहाँ अपनी प्रॉपर सर्विस दे नहीं रहता क्या या बैठा नहीं रहा? ये सब चीजें वहाँ देखनी जरूरी है तो और इनके लिए एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए और उस जांच कमेटी के अंदर जो भी जिसने भी अनदेखी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, इसका कोई इलाज नहीं है, आदमी तुरंत मरेगा, इसमें आदमी मरेगा, इसमें बचाव का कोई उपाय नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो ये तय है कि आदमी मरेगा। तो क्या प्रशासन ने इन खानाबदोशों को छोड़कर लापरवाही की है? और इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रशासन के विरुद्ध भी होने चाहिए और खानाबदोशों के विरुद्ध भी होने चाहिए। तो बिल्कुल, शहर के जागरूक नागरिक और अधिवक्ता हैं दीपक गुप्ता, वो अब मांग कर रहे हैं कि सरकार को अब सीधा दखल देना चाहिए और जो बहुत बड़ी खानाबदोशों को लेकर प्रशासनिक चूक हुई है उसके ऊपर एक जांच बैठनी चाहिए और उस जांच कमेटी को पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए निष्पक्ष तौर पर, और जिस अधिकारी की लापरवाही यहां पर रही है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।